हे गाइस, आज हम बॉलीवुड के एक ऐसी मूवी के बात करने जा रहे हैं जिस मूवी को देखने के बाद तुम एक ही बात बोलोगे, का बवासीर बना दिए हो। एंड टुडेज मूवीज। तो आओ यार शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मूवी के शुरू में ही हम देखते हैं बच्चों के मुगड़ा पहन के पांच लोग एक लड़की को मारने आता है और हाथ लगाने से पहले ही लड़की अपने आप जमीन पर गिर जाते हैं। अब एंट्री होता है मैथुंदा यानी कि शेरा की, जो गुंडे को मारने से पहले ही खुद गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं। कुछ देर बिना हाथ लगाए गुंडों को मारने के बाद उसी का ही कोई हमशकल आकर उसे मार देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये एक सपना है। शेरा की लुल्ली छोटे होने की वजह से वो बहुत ही परेशान थे। उसका डर है कहीं उसके बीवी किसी और के साथ घपघप ना कर ले, इसीलिए वो हमेशा उसे लोहे की जंजीर से बांध के रखते थे। वो जब भी खाना लेके अपनी बीवी के पास पहुंचता है, उसका बीवी उसे कहते हैं, बिना सेक्स की लाइफ और छोटे लुल्ली वाले की वाइफ, ये दोनों ही कोई काम का नहीं। मैं और जीना नहीं चाहता, मुझे मार दो। आई वॉन्ट टू डाई। Please shoot me. I want to die. दिल पे चोट खाने वाली ये बात सुन के वो उदास होकर ठाकुर के पास चला जाता है और जाके अपना दुख बताते है। शेरा की सैड स्टोरी सुनने के बाद ठाकुर उसे ये कहते है, पहले आ जाते बरखुरदार तो तुम्हारे साथ वो सब नहीं होता। शेरा की ये हालत देख के ठाकुर उसे लुल्ली बड़ा करने की एक सीक्रेट फाइल देता है। दूसरी तरफ शेरा की बीबी शिवानी को यह खबर मिलता है कि कॉलेज में खुलेआम ड्रग बेचा जा रहा है और इस काम के पीछे है बल्लू बकरा का भाई केडी। और केडी को पकड़ने वो अकेले ही कॉलेज पहुंच जाती है। धूप में सुखाती हुई गद्दे की तरह उसे हर एंगल से पीट के जेल में डाल देते है। इतना मार खाने के बाद भी एक कछुए जिंदा कैसे है? और तुम लोगों को क्या लगा, पिटाई हो रहा है? नहीं, गुस्सा निकला जा रहा है। ऐसी कुत्ते जैसा हाल तुम्हारा तब होता है जब मेहंदी लगाने के वक्त तुम अपनी छोटी बहन को धक्का देती हो। कुत्ते मेरी मेहंदी खराब करता है धक्का देके। ये ले, ये ले, ये ले। शेरा की बीबी के कुछ उखाड़ ना पाने की वजह से उसके बदला शेरा की बहन से लेता है केडी। हाय बेबी, तेरी भाभी ने मुझे पुलिस लॉकअप पहुंचाया और उस बेइज्जती का बदला आज मैं तुझसे लूंगा। कोल्ड ड्रिंक्स पे मिल्क पाउडर मिला के उसको पिला देती है केडी। मिल्क वाला कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से उसे एसिडिटी हो जाता है और वो मर जाती है। जिस बदले की आग में थोड़ी देर पहले केडी जल रहा था, वही आग अब शेरा की सीने में जल रहा है और वो निकल पड़ते हैं केडी को मारने। कहां से पकड़ कर लाए इसको, जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता वो क्या घंटा मार गया किसी और को? ये कैसे किया, पैर को पंखा बना के आदमी को हवा में उड़ा दिया। और तुम सोच रहे थे ऐसे हवाबाजी सिर्फ साउथ में होता है, बॉलीवुड भी इस मामले में एक कदम आगे है। लो आप झेलो। हवाबाजी करने का भी एक लिमिट होता है, इन लोगों ने बोर्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। केडी के मौत के बाद शिवानी के पास एक फोन आता है और एक अनजान आदमी उसे कहते हैं, अगर तुम केडी के हत्यारे को पकड़ना चाहते हो तो बस पकड़ के काले हंडे के गोडाउन पे आ जाओ। और शिवानी वहां पे पहुंचते ही तेंदुए पकड़ने वाली नेट से उसे पकड़ कर हॉर्नी होने का इंजेक्शन मार देता है जैक स्पैरो के बिछड़ा हुआ भाई। इंजेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और शिवानी को धीरे धीरे मजा आने लगा, लेकिन उसे और भी ज्यादा हॉर्नी होना था, इसलिए वो बार बार बोलते रहे, मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए। ज्यादा हॉर्नी होने के वजह से शिवानी को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। शिवानी को ऐसे हालत में देख के शेरा का खून खौल उठता है और उसके दिल में फिर से पैदा होता है बदला। एक तीर पे दो निशाना लगाने का एक बढ़िया प्लान निकलता है शेरा। हेलो, यू नॉट स्पीकिंग। अगर हेरोइन की स्मगलिंग में 10 लाख रुपया कमाना चाहता है तो गोडाउन नंबर 7 में 7 बजे आ जाना। तेरे भाई का कातिल आज शाम को 7 बजे हेरोइन का बैग लेकर गोडाउन नंबर 7 में पहुंचेगा। टुन्ना लालच में आके गाना गाते गाते शेरा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और पहुंचते ही फंस जाता है और इसी मौके का फायदा लेता है शेरा। अपने बाप को छोड़कर चला गया मुन्ना हरामी। बेटे का बदला बकरे की भाई से लेने के लिए निकल पड़ता है चिन्ना रेड्डी। तेरे भाई ने मेरे बेटे टुन्ना को मार कर फोटो भेजा, मैं तेरे को मार कर उसको वीडियो कैसेट भेजेगा। और पूरा मूवी में बदला ही बदला, माँ का बदला, बाप का बदला, भाई का बदला, बहन का बदला, बेटे का बदला, बीवी का बदला, बदला ही बदला। कौन है ये पागल राइटर, कोई पकड़ कर लाओ इसे, मैं लूंगा इससे बदला। बीवी के साथ साथ अब बाहर के लोग भी शेरा को नामर्द बोलते रहे। अरे तुम तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो, नामर्द हो, नामर्द। लेकिन शेरा बताते हैं कि वो नामर्द नहीं है, गुजरे कल में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह थे वो। और वो अपनी फ्लैशबैक की कहानी शुरू करते हैं। शेरा हमारा 2 करोड़ का माल लूट कर ले गया। What?
देखा वो शेरा तुम्हारा कैंडल भी डाला, तुम्हारा हैंडल भी डाला, अब तुम क्या करेगा? Enough, शेरा. Now you see. शेरा तुमने हमारा माल लूट लिया, हम खड़े खड़े तुम्हारी माँ छोड़ देंगे. शेरा की कुछ उखाड़ ना पाने की वजह से उसका बदला शेरा के भाई से लेता है डैनियल. इसी के बीच शेरा को यह खबर मिलता है उसका भाई का कातिल इस वक्त बिलियर्ड क्लब में अपना गोटिया खुजा रहा है. माई के चोदो मामो, तेरा बहन के चोदो महावीर वाला, तेरा मैया के चोदो वाला, बहनो लगर तेरा बेटी के बुड़ में मादा चो दोगला रंडी के जाना भोसड़ी वाला. कुछ देर हवा पे हवाबाजी करने के बाद उसके अंदर का सांप जाग उठता है और वो दुश्मन के आँख फोड़ देते हैं. तुम्हारा शेरा हमारा आँख फोड़ा, हम तुम्हारा घर तोड़ा, हम तुम्हारा लड़का को मारा और अब हम शेरा को भी मारेगा, कुत्ते की मौत मारेगा. 90s के मूवी में ऐसी बकचोदी वाला सीन तुम्हें हर मूवी में देखने को मिल जाएगी. इधर दुश्मनों को एक मौका दिया जाता है ताकि वो उठ के घर के किसी एक सदस्य को मार पाए. अब दुश्मन को मारने गए हो तो पूरा मार क्या, इंस्टॉलमेंट में जिंदा रखने की क्या जरूरत है? ये यू करके तो उसके एक आँख फोड़ दी, क्या दोनों आँख फोड़ नहीं सकते? अगर दोनों आँख फोड़ दिया होता तो दुनिया में एक अंधा ज्यादा होता, लेकिन तुम्हारे माँ इस दुनिया से कम न होते. शेरा अब तक जिसे समझ रहे थे स्वीट एंड स्वामी, आखिर में वो ही निकला सबसे बड़ा हरामी. मैं हूँ सबसे बड़ा माफिया. और ये लोग किस एंगल से माफिया दिखता है? ऐसा लग रहा है गंगापुर के डाकू भैंचो अनाज लूटने आए हैं. दो केला ज्यादा देंगे, दोबारा गुलाटी मार के दिखाओ. मछली जल की रानी है, खत्म उसकी कहानी है, ये पानी में तैरते हुए बहुतों को देखा, लेकिन जमीन में तैरते हुए पहली बार किसी को देख रहा हूँ. तो आओ आप तुम्हें सिखाते हैं एक्शन करने के बीच योगासन कैसे करते हैं. आप तुम्हें सिखाएंगे कंफू कैसे करते हैं. अब तुम्हें सिखाएंगे दुश्मनों को कैसे हिप्नोटाइज करते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी टाइप के मूवी रिव्यू अगर और भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो. बाय.